नमस्कार साथियों, आज के कुछ मुख्य समाचार। यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन अटैक। इजराइल के मिसाइल हमलों से दहला सीरिया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ किए हमले। मैक्सिको की जेल पर हमला, 14 लोगों की मौत, 24 कैदी भाग निकले। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ समस्या पर बताया तीव्र चुनौती। पाक के आतंकवाद पर भी किया कटाक्ष। राजौरी में जहां 4 लोग मरे आज, वहां IED ब्लास्ट, एक बच्चे की दर्दनाक मौत, 5 लोग घायल। नोटबंदी पर आज फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली NCR, कारगिल के साथ मेघालय में हिली धरती। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 रही। अब कुछ लोकल। 4,500 पदों पर मिलेगी सरकारी नौकरी। कर्मचारी चयन आयोग लेगा परीक्षा। 12वीं पास युवा 4 जनवरी तक भर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से। आज के समाचार में इतना ही। मैं अंकिता कुमारी गुंज लाइव से रोजाना आपके लिए ऐसी अपडेट्स लाती रहूंगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सभी भिलाई सहित छत्तीसगढ़ वासियों को आने वाले इस नए वर्ष की मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको नए वर्ष मंगलमय हो। आप सबकी इच्छाएं, सदिच्छाएं सब भगवान पूरा करें, ये कामना है। नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। नए वर्ष की ढेर सारी बधाई। 2023 आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। आप सब के जीवन में खुशहाली हो और हम सब मिलकर एक भाईचारे के रूप में इस नए वर्ष को सउल्लास मनाएं और एक साथ रहने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद।